तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी किसी भी वीडियो को प्राइवेट से पब्लिक कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी कोई वीडियो को पब्लिक से प्राइवेट करना है तो आप वो भी कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर ये वाली जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पर न्यू यूट्यूबर के साथ हो जाती है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो उन्होंने अपलोड की और उसको यहाँ पर प्राइवेट करके अपलोड कर दिया, फिर उनको वहां पर जो है पब्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि वीडियो प्राइवेट होकर के ही अपलोड हो गई, यहाँ पर पब्लिक नहीं हुई। तो आपको ये जो ऑप्शन है, मतलब कि वीडियो को प्राइवेट अगर आपने कर दिया है तो आपको उसको पब्लिक कैसे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, आपको जो भी आसान लगता है आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप यूट्यूब एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर आप अपने चैनल पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो वीडियोज है जो आपने यहाँ पर पब्लिक कर रखी होगी सिर्फ वही शो होती है, जो आपने वीडियो प्राइवेट कर रखी होगी वो यहाँ पर आपको शो नहीं होती है। तो यहाँ पर यह दिक्कत हो जाती है, जैसे कि आपने कोई वीडियो को प्राइवेट करके अपलोड कर दिया तो आपको वो वीडियो ही नहीं यहाँ पर शो होती, तो आप उसको पब्लिक करेंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको होम वाले ऑप्शन पे फिर से जाना है और यहाँ पर आपको अपने चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरीके का पेज ओपन होकर के आता है। अब आपको यहाँ पर योर वीडियोस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको देखिए वीडियोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपने जो भी अपनी शॉर्ट्स को प्राइवेट कर रखा होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगी, जिन भी आपने अपनी वीडियोज को यहाँ पर प्राइवेट कर रखा होगा, जैसे कि मैंने ये वीडियो देखिए यहाँ पर प्राइवेट कर रखी है वो भी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। या फिर आपने अपनी जो भी लाइव अपलोड करी होगी वो सारी आपकी लाइव भी यहाँ पर दिखती है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरी ये एक वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पर प्राइवेट कर रखा है। अब आपको इसको पब्लिक कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आते हैं। आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी वीडियो को डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, अपनी वीडियो को डिवाइस में सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये विजिबिलिटी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर पब्लिक, मेंबर्स ओनली, अनलिस्टेड, प्राइवेट, इस तरीके के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो को प्राइवेट पे क्लिक कर रखा है ना, तो आपको अपनी वीडियो को अगर पब्लिक करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर पब्लिक वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है, फिर बैक चले जाएंगे और इसको यहाँ पर जो है सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी प्राइवेट वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। तो एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ से आप अपनी जो है किसी भी प्राइवेट वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी वीडियो को मान लीजिए प्राइवेट करना है, फिर से अगर आपको अपनी वीडियो को प्राइवेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि पब्लिक से प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपको यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर देखिए अपने चैनल को मैनेज करने के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपने चैनल की जो भी वीडियोस होंगी जिनको आपने प्राइवेट कर रखा होगा या पब्लिक कर रखा होगा सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ से भी आप अपनी किसी भी वीडियो को प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पब्लिक से प्राइवेट करनी है सिंपली आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये वीडियो है, इसको मैंने अभी आपको यहाँ पर प्राइवेट से पब्लिक करके दिखाया था ना, मैं इसी वीडियो को यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे कि ये वीडियो देखिए यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको ये विजिबिलिटी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि पब्लिक हो गया, मेंबर्स ओनली हो गया, या फिर अनलिस्टेड या प्राइवेट, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर अपनी वीडियो को पब्लिक करना है तो आप यहाँ पर पब्लिक कर सकते हैं, अगर आपको प्राइवेट करना है तो आप सिंपली प्राइवेट भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे तो अपनी वीडियो को यहाँ पर पब्लिक ही रखना है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट करना है तो आप सिंपली प्राइवेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आई होप आपको ये दोनों तरीके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉमेंट से ही रैंडम कॉमेंट विनर को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर अपने चैनल पर प्रमोट करती हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।